भाजपा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 23 अप्रैल रविवार को देर रात भाजपा प्रत्याशी सुरेश पाल कश्यप के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। अग्रवाल ने जाति विशेष से ऊपर उठकर प्रत्याशी को जिताने की अपील की और कहा कि केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार के साथ साथ यदि निकाय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। निकाय चुनाव में उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल अग्रवाल ने क्या कहा, कौन सा मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया, सुनते हैं उनकी जुबानी। झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ। धन्यवाद, बहुत देर से आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और मुझे भी विलंब हो गया, लेकिन मैं करूं क्या, बात करते लोग 5 मिनट की और लगाते थे 40 मिनट और घेर के रखते हैं। अभी एक मीटिंग हमारी और थी, वहाँ से काफ़ी सारे लोग यहाँ भी पहुँचे हैं और मेरा भी अन्य कस्बों में भी कार्यक्रम है और मुजफ्फरनगर में भी कार्यक्रम है। फिर भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, हमारे भारतीय पार्टी के नील उपाध्याय जी, राहुल जैन जी और राहुल गुप्ता जी, राहुल जैन जी हमारे संयोजक यहाँ के चुनाव के, रजनीश विश्वकर्मा जी जो मंडल महामंत्री हैं और सतीश कश्यप जी मंडल अध्यक्ष हैं, विनोद ठेकेदार जी, अमित गोयल जी, बंटी भाई और विनोद रोहेला जी, राम निवास जी और हमारे प्रत्याशी सुरेश पाल कश्यप जी, अंकित जी हमारे साथ आए, सभी का बहुत अभिनंदन है। देखो छोटा सा कस्बा है, अब प्रत्याशी कितने भाई, 9 प्रत्याशी। अब समस्या ये आती है कि सभी अपने आप में मजबूत हैं, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी, चुप जानता नहीं, ये तो लोग जानता हूँ, जानते मेरा परिचय नहीं है, होता बहुत अच्छे हो, बहुत मजबूत हों, बहुत प्रभावी हों, उन्होंने अपने अपने समाज में या अपने कस्बे में बहुत सारी तैयारी भी की होगी, चौड़ लड़ने लोग करते ही, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ, मेरे को नाजी किसे नहीं है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पाया, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दिया, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको वोट दिया और चुनाव जिताया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय मोदी जी ने हमको मंत्री के नाते जिम्मेदारी देने का काम किया, तो किसी ने जिम्मेदारी है, उनका नाम भी कपिल देव है, बड़ा बढ़िया कार्यकर्ता है, पुराना है, 3 बार विधायक हो गए, चेयरमैन भी रहा है नगर पालिका का, इसको जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या काम करेगा, तो सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, और दूसरा काम मेरे पास है समाज के व्यापारी वर्ग को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े रहना। जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट हो, मान लो यहाँ पे पहले सुरेश राणा भी चोड़ रहे, अभी बहन मृगांका यहाँ चोड़ रही, प्रदीप जी यहाँ पर सांसद हैं और हम भी यहाँ से विधायक हैं, तो जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट करते हैं, कश्यप, सैनी, पाल, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, नाई और बहुत सारी जातियाँ जिनका मैं नाम मुझे, ठीक है ना, किसी की कम किसी की ज्यादा, और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबको कुछ ना कुछ देने का काम करती है। अभी हमने खतौली के अंदर नाई समाज के कार्यकर्ता को मेज को हमने टिकट देने का काम किया, हमारे मुजफ्फरनगर में बराबर में भोकरी नगर पालिका है, वो हमने बालिकी को टिकट दिया, अपने अरविंद जी को मुजफ्फर टिकट दिया, वैसे समाज के नेता ये आपके लम्हे उसमें हमने जाट के नाते टिकट दिया, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ देने का काम, सब चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति जीते, हमारी जाति जीते, पर आप मैं किसी के जाते लोगों का नाम नहीं जानता, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर सब व्यक्ति के जाति के लोग खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ बचेगी, तो खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सबकी है ना, भारतीय जनता पार्टी को सबने वोट दिया, सब मोदी की जय जयकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ पूरी दुनिया में मोदी की जय जयकार हो रही कि नहीं होती, मोदी को किसने बनाया, आप लोगों ने बनाया, मोदी जी को ताकतवर बनाने का काम आप लोगों ने किया, जनता ने किया, झिंझाने के लोगों ने किया, तब नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तब वो सांसद बने, फिर प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, चाइना भी हमारे सामने नतमस्तक है, अमेरिका भी हमको प्रणाम करता है, पाकिस्तान भुखमर के कगार पर है और पड़ोसी देशों से हमारे बहुत मित्र संबंध है कि नहीं, दोबारा कहूंगा किसकी वजह से, आप सबकी वजह से, बनियों की वजह से नहीं, ब्राह्मणों की वजह से नहीं, सैनियों की वजह से नहीं, कश्यपों की वजह से नहीं, मानवी की वजह से नहीं, बल्कि सबकी वजह से। मुख्यमंत्री बने भाई,
मैंने बना दिया क्या कर लिया, सबने वोट दिया। पिछली बार अशोक राणा हमारे विधायक थे, ये निवाल थे, फिर हमारी नहीं जीत पाई, सबने वोट दिया तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो कैसा काम हुआ भाई, किसी जाति का काम हुआ क्या? हम मुख्यमंत्री जाति ढूंढेंगे, मुख्यमंत्री जाति कौन सी है? क्या केवल कपिल देव ने काम किया, हर एक वर्ग के लिए, समाज का प्रत्येक, वाल्मीकि समाज की महिला हो, हरिजन समाज की महिला हो, दलित महिलाएं हो, दलित बेटियां हो, स्कूल के स्कूल की स्थिति देखो, प्राइमरी स्कूल होगी कितने शानदार, या गरीब आदमी पैसे के पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं प्राइमरी स्कूलों को ऐसे बना दूंगा कि पब्लिक स्कूल भी उनको देख के शर्मा जाएंगे, इतने शानदार स्कूल आपके बनाने का माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया किताबें, जूते, मोजे, ड्रेस, बढ़िया खाना, बढ़िया टीचर, इतना बड़ा काम बना। इंटरमीडिएट कॉलेज अब बच्चे पढ़ाते हैं, पहले क्या हम पढ़ते थे, एग्जाम हुआ करते अगस्त में, सितंबर में रिजल्ट आया करता, अक्टूबर में डिग्री कॉलेज के रिजल्ट दिसंबर तक आया करते थे। आज समय से एग्जाम होते हैं, समय से परीक्षा होती है, समय से परिणाम आता है, कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होती है, और गरीब की बच्ची भी, कल मैं अपने मुजफ्फर में था और जब मैं गाँव में वहाँ गया तो वाल्मीकि समाज की लड़कियाँ, कश्यप समाज की लड़कियाँ, LLB, LLM, डिलीट कि वाल्मीकि समाज की, कश्यप समाज की लड़कियाँ, जो गरीब, जो इनको गरीब माना जाता है, ऐसे समाज की बेटियाँ LLB और डिलीट कर दी। एक माहौल बना बेटियों के लिए पढ़ने का, सबको सुरक्षा का माहौल बना, सबको आगे बढ़ाने का माहौल बना, बेटियाँ स्वच्छंद स्वतंत्र है। कितना शानदार आपका हाईवे बनना भाई, कभी आपने कल्पना की थी? नहीं जी। ये पैसा पहले कहाँ था भाई, ये खाद्यान्न मिला 3 साल से फ्री, ये पहले को नहीं मिलता था भाई, 18 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है, पहले क्यों नहीं आती थी भाई? ये सब चोर उचक्के बेईमान ये सारा पैसा ठगा जाते थे, आज वो आपकी कमाई का पैसा, आपके परिश्रम का पैसा, जो आप टैक्स के रूप में देते हो, मोटरसाइकिल खरीदे तो पैसे तो टैक्स देते हो, मोबाइल चलाते हो उसमें टैक्स लगता है, बिजली का बिल देते हो उसका टैक्स लगता है, कार खरीदते हो उसमें टैक्स लगता है, टेलीविजन फ्रीज खरीदते हो उसमें टैक्स लगता है। ये टैक्स का पैसे का असत प्रतिशत उपयोग हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र के विकास में करने का काम कर रहे हैं। ये बताओ ऐसे लोग जो जीते जी भाई, बात नहीं कश्यप की, नहीं सुरेश से भी पूछता है, मैं उसका पहली बार मिला हुआ, मेरा विषय नहीं है, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, कमल का फूल किसके हाथ में है? सुरेश पाल कश्यप के हाथ, और खाली सुरेश के हाथ में नहीं है, आप सब लोगों के भरोसे के आधार पर सुरेश पाल कश्यप को टिकट देने का। तीसरी बात सुनो भाई, कोई व्यक्ति मानो वैश्य हूं अग्रवाल हूं तो मैं खाली बिरादरी के लिए काम करता हूं क्या? मुख्यमंत्री बिरादरी के लिए काम कर, सबके लिए काम करते, तो जो यहाँ पे जिंजाने में आप विकास चाहते हो, मैं सब चैनल वाले हमारे खड़े हैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिंजाने में अगर आप सर्वांगीण विकास चाहते हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ की सीवरेज, यहाँ की ड्रेनेज, यहाँ की बिजली, यहाँ के अगर पार्क होगा उसका डेवलपमेंट, यहाँ के बढ़िया काम हो, यहाँ पे टैक्स लोगों का ना बढ़े, यानी जो भी नगर टाउन एरिया का काम होता है, राज्य तो काम बढ़िया हो, तो उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए ये बताऊंगा आपको, बाकी क्यों देना चाहिए, बाकी को दोगे स्वतंत्र, इसी देना चाहिए कि केंद्र सरकार किसकी है भाई? भाजपा जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। अगर केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, और चिंजाने में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई, तो क्या होगा? जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। पैसा तो फिर भी आएगा, और पैसा आएगा मानो 100 रुपए, और सरकार आएगी और भाजपा पार्टी अच्छे में जीतेगा तो तब पैसा आएगा 1000, इतना फर्क होता है। यानी जो योजना ये बनाकर के भेजेंगे, उस योजना को मंत्री होने के नाते फलीभूत करने का, इंप्लीमेंट करने का काम हम लोगों का है। मुख्यमंत्री करा रहे, क्यों आ रहे भाई? ताकि हमारे सारे प्रत्याशी चुनाव जीते। तो कल आपको 12 बजे तक आपको शामली विवि इंटर कॉलेज में भी भारी संख्या में यहाँ से पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री और धूमधाम को सुन। एक बात नंबर दो, 4 तारीख है, जातिवाद से ऊपर उठ करके बहुत लोग हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे उससे नाराजगी नहीं है, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अब कश्यप जी को यहाँ से चुनाव जितवा करके भेजिए। सबसे मैं मुस्लिमों से भी आभार करता हूँ भैया, जरा सुनवा देना, मुस्लिम समाज के लोग क्या नहीं किया हमने मुसलमानों के लिए भाई? जब मकान बने
तो जीजा ने कम से कम 1000 मकान बने होंगे पक्के, 1000 पक्के मकान। जाति नहीं पूछी किसी की, 2.5 लाख रुपए मकानों में पक्के बनाने के दिए सबको, मुसलमान को भी दिए। सड़कें बनी, मुसलमान भी चल रहा है, कई बच्चों की पढ़ाई हो रही है तो मुसलमान की बच्ची भी पढ़ रही है। आज बच्ची सुरक्षित है तो मुस्लिम की बच्चियां भी सुरक्षित है। हमने सबका साथ और सबका विकास हमने करने का काम किया। हमने जाति नहीं देखी। पहले लोग फर्क करते थे कि करीना की फीस जमा होगी और सीता की फीस जमा नहीं होगी। हमने करीना की फीस भी जमा की और सीता की भी फीस जमा की, क्योंकि असुरक्षित है तो मुस्लिम की बेटी पढ़ रही है और हिंदू की बेटी पढ़ रही है। हमने खाद्यान्न दिया, 3 साल से निःशुल्क खाद्यान्न बांट रहे तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी, हमारी बहनों को भी लगातार खाद्यान्न मिलने का काम किया। आयुष्मान कार्ड मुस्लिम को मिला, बल्कि मुस्लिम को ज्यादा मिला, हिंदू समाज के लोगों को मिला, जो गरीबी मुसलमान में ज्यादा है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि लगातार एक बार हमारे प्रत्याशी को रिपोर्ट देकर, जब विकास होगा तो सबका होगा। सब सांसद मिलकर के, भैया पीछे बातचीत प्लीज, जब विकास होगा तो आप सबका होगा, बातचीत होगी तो सबसे होगी, सर्वांगीण विकास होगा। और अपनी जातियों में धर्म में बढ़ जाओगे तो पता नहीं कौन जीतेगा, और कश्यप नहीं जीतेंगे तो फिर आप समझ लेना कि जी जाना फिर पीछे को चला जाएगा, फिर विकास का अमृत हो जाएगा। और जो हम चाहते हैं, जो योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की हमें लागू करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना भाई? तो मैं आपके माध्यम से तो लोग यहाँ ज्यादा नहीं है, पर मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि संदेश टीम बनाकर समय निकल जाओ, सबको समझाओ और भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कश्यप जी को विषय बना करके। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे झिंझाना निकाय के प्रत्याशी सुरेश पाल कश्यप जी, मैं आज आप लोगों को ये अपील करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने सभी बातें आपको बताई, विस्तार पूर्वक बताई। एक समाज से कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, हमें 36-36 समाज को इकट्ठा करना होगा। हमें ये झिंझाना की सीट जीतनी होगी और जीत कर दिखानी होगी। मैं आज आप लोगों के भीड़ को देखते हुए, आपके साहस को देखते हुए, क्या मंत्री जी से वादा कर दूं कि हम झिंझाना की सीट सुरेश पाल कश्यप जी को दे देंगे? खड़ा करके मुझे विश्वास दिला दो कि हम ये सीट सुरेश पाल कश्यप जी को देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर हाथ बनाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।